नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी विषय के अंतर्गत मैंने बहुत से इधर इम्पोर्टेंट कंटेंट्स को अपलोड किया है। उसी सीक्वेंस के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर्स यानी यूनिट के अंतर्गत मैं आज कल्चर से रिलेटेड एक टर्मोलॉजी डेट इज कल्चरल शॉक यानी सांस्कृतिक प्रतिमान पर चर्चा करूंगा। सांस्कृतिक प्रतिमान से पूर्व मैंने आपसे कल्चर से कई एक कॉन्सेप्ट जैसे कल्चरल पैटर्न क्या होते हैं, डिसकल्चरेशन, कल्चर क्या है और कहा जाए तो कल्चर रिवाइटलाइजेशन, कल्चर रिचुअलाइजेशन, इन सब पे चर्चा किया। आप इससे पूर्व के वीडियोस में इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कल्चरल शॉक क्या है, सांस्कृतिक प्रघात क्या है। देखिए, प्रघात शब्द से ही समझ में आता है जब किसी चीज को अचानक एहसास किया जाना या अचानक किसी चीज में बदलाव हो जाना, तो एक झटका लगता है, किसी प्रकार से कोई चेंजेस आए। अब संस्कृति और प्रघात साधारण रूप से ही समझ में आ जाता है। संस्कृति में अगर अचानक कोई बदलाव आए तो हम इसे सांस्कृतिक प्रघात कह सकते हैं। इस अवधारणा की रचना सन 1960 के दशक में एक ऐसे व्यवसायिक बीमारी को इंगित करने के लिए की गई जो अपनी संस्कृति से एकदम भिन्न, संस्कृति में यचायक, यकायक यानी अचानक घुलने मिलने वाले व्यक्तियों से होती है। यानी अचानक कोई व्यक्ति किसी नई संस्कृति में जाता है तो उसे उस संस्कृति के तत्व यानी सांस्कृतिक स्वरूप अचानक काफी प्रभावित करते हैं और वो इन नई संस्कृतियों को देखता है जो उसने कभी एहसास नहीं किया या जिस पर उसने कभी विचार नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रामीण व्यक्ति अचानक मुंबई पहुंच जाए। अब जाहिर सी बात है, उसने अपने गांव में झोपड़ियां देखा और सिंपल मैदान देखा, साधारण लोगों को देखा, लेकिन अगर मुंबई और महानगरी में पहुंचे तो वो बड़ी लंबी लंबी अट्टालिकाएं यानी बिल्डिंग्स को देखेगा, वहां पर हवाई जहाज, वहां के रहन सहन, वहां के कल्चर, वहां के लोगों का बोलना बातचीत करना, वो उसको काफी अचानक हुआ बदलाव दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति जो नवीन संस्कृति में आंशिक अथवा पूर्णता घुल मिल जाते हैं उन्हें प्रतिगमित वापसी की स्थिति में सांस्कृतिक प्रघात हो सकता है, यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है। यानी मान लीजिए कि अब उसने नई संस्कृति को ज्वाइन कर लिया, उस संस्कृति में रच दर्ज किया, लेकिन अगर वो वापस अपनी संस्कृति में आता है तो उसे अपनी पुनः संस्कृति में वापस आने पर भी उसमें ऐसा एहसास हो सकता है कि ये पिछड़ा है और वो अगली संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः यह अवधारणा नकारात्मक प्रभावों और प्रतिक्रियाओं यानी भौतिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिकता के संकेत देती है, किंतु कुछ एक लेखकों ने इसके सकारात्मक प्रभावों की भी चर्चा की जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकती है। तो हम जनरली इसको नकारात्मकता में ही देखते हैं कि आप नई संस्कृति में गए और पुरानी संस्कृति आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप नई संस्कृति को काफी ज्यादा एडमायर करने लगे। एक व्यक्ति का अमेरिका में जाना और वहां की संस्कृति के साथ रच बच जाना और उस संस्कृति को अपना लेना और जब वह वापस अपनी संस्कृति में आता है तो उसको अपनी संस्कृति कम अच्छी लगना, ये सांस्कृतिक प्रघात हो सकता है। नई संस्कृति में जाना और अपनी संस्कृति से बेहतर महसूस करना, ये भी सांस्कृतिक प्रभात हो सकता है। यानी जाना और या वापस आना, दोनों ही स्थिति में हम प्रघात को देख सकते हैं। इसे कहते हैं कल्चरल शॉक। तो आशा है कि अभी जो मैंने आपको बताया वो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, काफी पॉइंट्स आपको इससे मिलेगा। मैं जल्दी बहुत से और कल्चर्स की जैसे संस्कृति में गरीबी की संस्कृति इत्यादि क्या है, इन सब पर भी चर्चा करूंगा। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।